हेलो व्यूअर्स, आज हम टाटा 1618 BS4 गाड़ी की ECM कैलिब्रेशन करेंगे जाल टेस्ट के साथ। अब हम व्हीकल को स्कैनर से कनेक्ट करेंगे उसके मॉडल के हिसाब से। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ECU सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है जो हम कैलिब्रेट करके अपडेट करेंगे। अब हम कैलिब्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक ऑप्शन आता है कॉपी टू जाल टेस्ट, नीचे आप देख पा रहे हैं। इस ऑप्शन से जो गाड़ी के डिफॉल्ट पैरामीटर्स है कैलिब्रेशन से पहले, हम उसको कॉपी करके रखते हैं ताकि जब कैलिब्रेशन होने के बाद उसकी जो अभी रिसेंट डिफॉल्ट पैरामीटर्स है उसको हम रिटर्न ला सके आफ्टर कैलिब्रेशन। यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने कॉपी किया और मैं अपनी जो पैरामीटर्स वाली फाइल है वो मैं एक फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। अब कैलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है और ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगते हैं कैलिब्रेशन कंप्लीट होने के लिए। कैलिब्रेशन होने के बाद कुछ टाइम के लिए आपको इग्निशन ऑफ करके ऑन करना होता है। जैसे कैलिब्रेशन कंप्लीट होता है, आपने जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स कॉपी किए थे कैलिब्रेशन स्टार्टिंग से पहले, उसको फिर से वापस पेस्ट करना होता है ताकि डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो पहले था वो रिटर्न आ जाए। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ECM का सॉफ्टवेयर जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर था अपडेट हो गया कैलिब्रेशन, इसका मतलब सक्सेसफुल रहा।